दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है या फिर जिनका सिलेक्शन ग्रुप 3 में हुआ है, तो उनको अब 3 महीने का टाइम कंपनी की तरफ से दे दिया गया है। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके पास मेल और मैसेज आ गया होगा। तो दोस्तों, उस मेल में आपको जो जमीन एडवर्टाइज लोकेशन में अरेंज करना है वो आपको 3 महीने के अंदर ही करके देना है। तो दोस्तों, आप लोग जमीन जो भी लें तो उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर वो नेशनल हाईवे है तो नेशनल हाईवे के जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके ही आप जमीन को लें, ठीक है। और जिनका स्टेट हाईवे या फिर PWD रोड पे है तो वो भी गाइडलाइंस को फॉलो करके ही जमीन को ले, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रॉपर तरीके से अपलोड करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और नए नए जानकारियां, नए नए अपडेट्स आपको पेट्रोल पंप के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है वो क्या है, आइए हम उसको आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, नॉर्म्स फॉर लोकेशन लेआउट एंड एसेस टू फ्यूल स्टेशन अलोंग हाईवे नेशनल हाईवेज। तो इसमें दोस्तों, जो भी नेशनल हाईवे पे कोई भी फ्यूल स्टेशन हो, फ्यूल स्टेशन मीन्स वो चाहे रिटेल आउटलेट हो पेट्रोलियम का, सीएनजी का हो, गैस का हो, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चार्जिंग स्टेशंस हो, या बायोफ्यूल्स हो, कोई भी हो, उनके जो कंडीशंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा है तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको उसमें गाइड करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, और उसको देखने के बाद ही आपको जमीन लेना है। तो दोस्तों, अगर आपका नेशनल हाईवे पे है तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी तरह का रोड हो और कोई मीडियन गैप हो, वो भी आपके प्लॉट के बाउंड्री से। कुछ लोगों का डाउट्स था कि एक्सेलरेशन की तरफ से काउंट करें या डिसेलरेशन की तरफ से काउंट करें। तो दोस्तों, आप लेफ्ट, हमारा जो एक स्टैंडर्ड है, हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड साइड से आपका पेट्रोल पंप पड़ेगा उसका जो फर्स्ट बाउंड्री होगा, ठीक है, वहां से 300 मीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 300 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए कोई भी इंटरसेक्शन आपके जो बाउंड्री है उससे 300 मीटर होना चाहिए। बाउंड्री के बाउंड्री वॉल जो है आपका, दोनों से 300 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। फर्स्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर इंटरसेक्शन एंट्री से पहले है तो पहली बाउंड्री, और एंट्री के बाद है तो दूसरी बाउंड्री। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो भी आपका पेट्रोल पंप आए वो 300 मीटर से पहले इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई मीडियन गैप नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप अपने प्लॉट पे, अगर आपका प्लॉट जो है वो टोल प्लाजा या रेलवे लेवल की जो क्रॉसिंग होती है वो है, या कोई भी बैरियर है अगर, तो वो 1000 मीटर पे होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान देना है। साथ ही दोस्तों, अगर कोई ओवरब्रिज है तो जो उसका स्टार्ट अप्रोच रोड होता है, ओवरब्रिज होता है तो जहां से स्टार्ट होता है ओवरब्रिज, इस चीज को समझिएगा दोस्तों, स्टार्ट ऑफ अप्रोच रोड ऑफ ओवरब्रिज, ठीक है, जो स्टार्टिंग होता है वहां से 200 मीटर का डिफरेंस पे होना चाहिए। कुछ लोग इस चीज को बोल रहे थे कि वो उसके मीडियम से, उसके मिडिल से काउंट करेंगे, उसके मिडिल से कैलकुलेट करेंगे या उसको वहां से मेजर करेंगे, तो ये गलत है। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वहां से 200 मीटर होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर कोई फ्लाईओवर है, ठीक है, तो फ्लाईओवर का जो स्टार्ट ऑफ अप्रोच रोड है, ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, वहां से 300 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर कोई फ्यूल स्टेशन है, सपोज दैट आपका किसी HPCL का है,
या बीपीसीएल का है या इंडियन ऑयल का है, वहां से 300 मीटर की डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप होना चाहिए, इससे पहले है तो प्रॉब्लम होगी। इसमें दोस्तों दो कंडीशंस होते हैं एनएच में। अगर एनएच आपका डिवाइडेड है तब तो वहां पे 1,000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोस्तों वो अनडिवाइडेड है, ठीक है, अगर वो अनडिवाइडेड है इस केस में 300 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें दोस्तों बहुत ही जरूरी हैं। और साथ ही दोस्तों जो एक और है आपका ROW, ठीक है, राइट ऑफ वे, आपके सामने जो भी एनएच है उसका एक राइट ऑफ वे होता है, दैट इज उसकी विड्थ होती है वो 60 मीटर के अप्रॉक्स होती है, ठीक है, 60 मीटर। और उसको सेंटर से कैलकुलेट करेंगे, रोड के सेंटर से, तो उस सेंटर से 30 मीटर छोड़ने के बाद आपका प्लॉट स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ROW कम हो और आपने ROW को फॉलो ना किया हो, उस केस में भी रिजेक्शंस हो जाते हैं। तो ग्रुप 3 वालों से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप जमीन को ले रहे हैं, अगर आपके एनएच पे है, तो ये गाइडलाइंस को आप जरूर फॉलो करें, अदरवाइज आपको एनओसी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर जिनका जिनका एनएच पे ना होके वो एसएच पे है या फिर एमडीआर रोड है या ओडीआर रोड है, इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज है कि ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है, इस चीज को आप ध्यान दें। अलग अलग स्टेट का अलग अलग नॉर्म्स हैं, बट स्पेशली देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स चलता है, उस चीज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी की। यूपी का जो गाइडलाइन है उसमें क्या है, ये एक है आपका लोकेशन नॉर्म्स ऑन रूरल ऑफ स्टेट रोड। जो रूरल एरिया है वहां पे स्टेट का क्या क्या अपना कंडीशंस होता है उसको आप देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ एनी इंटरसेक्शन विथ एनी कैटेगरी ऑफ रोड एंड मीडियन गैप, ठीक है, किसी भी टाइप का रोड हो या मीडियन गैप हो, तो पेन और रोलिंग में क्या होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपका जो प्रपोज्ड फ्यूल स्टेशन है, अगर वो एसएच पे है, स्टेट हाईवे पे है, स्टेट हाईवे है तो इंटरसेक्शन कम से कम 300 मीटर के डिफरेंस पे होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका फ्यूल स्टेशन एमडीआर रोड पे है तो 250 मीटर का होना चाहिए, और अगर वो फ्यूल स्टेशन ओडीआर या वीआर रोड पे है तो 200 मीटर का होना चाहिए। अगर यही दोस्तों अगर ये आपका पहाड़ी एरिया है तो वहां पे 100 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों इंटरसेक्शन की, मतलब जो भी आप पेट्रोल पंप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जहां पे आप जमीन लेना चाह रहे हैं, वहां से इंटरसेक्शन मतलब कोई कट जो है वो इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आइए अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, एनी बैरियर इंक्लूडिंग टोल प्लाजा रेलवे लीवर क्रॉसिंग। अगर स्टेट हाईवे है तो इस केस में दोस्तों आपको 700 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, और अगर एमडीआर रोड है तो 600 मीटर का, ओडीआर है तो 500 मीटर का। ये चीजें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है जमीन लेने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि आप लीज डीड करवा दें और फिर आप या फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें और फिर जब आपकी जमीन की चेकिंग हो उसको वेरीफाई किया जाए तब आपको PWD या फिर NHAI से आपको NOC ना मिले, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। दूसरा क्या है दोस्तों, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अप्रोच रोड ऑफ रोड ओवर ब्रिज, ठीक है, ROB, रोड ओवर ब्रिज। रोड ओवर ब्रिज में 200 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। दोस्तों ये सेम कंडीशंस था आपका एनएच में और सेम कंडीशन है आपका स्टेट रोड पे या जो PWD का कंडीशंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो दो फ्यूल स्टेशन के बीच में डिफरेंस होता है वो इसमें बिल्कुल सेम है, उतना ही है। मतलब कि अगर अनडिवाइडेड है, अनडिवाइडेड रोड है तो वो 300 मीटर होना चाहिए, और अगर डिवाइडेड है तो इस केस में दोस्तों कम से कम 1,000 मीटर का होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों अगर ये अर्बन एरिया है या टाउन है या सिटी है तो इस कंडीशन में कुछ अलग है। इसमें क्या है, जो इंटरसेक्शन होना चाहिए
वो 100 मीटर का होना चाहिए, और टोल प्लाजा से डिफरेंस जो है और रेलवे क्रॉसिंग जो होती है वहां से 500 मीटर होना चाहिए। जो ROW है वो 200 मीटर होना चाहिए। ठीक है, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखें, ROB है, सॉरी W नहीं है, ROB है, मतलब रोड ओवर ब्रिज, ये आपका 200 मीटर होना चाहिए। और बात करें दोस्तों कि डिस्टेंस बिटवीन टू फ्यूल स्टेशन, ये 300 मीटर होना चाहिए फॉर बोथ डिवाइडेड एंड अनडिवाइडेड, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में डिवाइडेड और अनडिवाइडेड दोनों कैरिज वे के लिए वो 300 मीटर है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ इसमें कंडीशंस भी है, आइए उसको हम देख लेते हैं। अप्लीकेबल फॉर रूरल, अर्बन, हिली और माउंटेनियस स्टेट क्या है? ऑल द डिस्टेंस आर टू बी मेजर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द फ्यूल स्टेशन। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिस्टेंस होंगे वो आपका जो फ्यूल स्टेशन की बाउंड्री होगी वहां से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, वहां से इसका मेजरमेंट किया जाएगा। इन केस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी इंटरसेक्शन विथ एनी कैटेगरी ऑफ रोड, मीन्स कैरिज वे, ये कंक्रीट हो, इंटरलॉकिंग हो, ठीक है, ये अगर ऑफ मिनिमम 3 मीटर विथ विड्थ एंड हैविंग लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड एबव रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी ऑफ रोड। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो इंटरसेक्शन की बात हुई है वो किसी भी टाइप का रोड हो सकता है, जैसा कि गाइडलाइन में दिया हुआ है। अगर कंक्रीट है, इंटरलॉकिंग है, अगर वो 3 मीटर है और उसकी लेंथ 300 मीटर है तो इस केस में उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर दोस्तों कोई इंटरसेक्शन है जो 3 मीटर का है, कंक्रीट है या फिर इंटरलॉकिंग है, तो इस केस में अगर उसकी लेंथ जो है वो 100 मीटर की हुई तो वो आपका इंटरसेक्शन कैलकुलेट नहीं होगा, 300 मीटर का हो तो इस केस में कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी कुछ कंडीशंस हैं, इनको देखते हुए ही आप अपने ज़मीन को लीजिएगा, और अदरवाइज़ फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ये मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।